अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका कि भारतीय संविधान के इतिहास में एक अलग ही पृष्ठभूमि रही है और आने वाले भविष्य में भी रहेगी। इसका शीर्षक है केशवानंद भारतीवाद और मूल संरचना। वीडियो को शुरू करने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए चर्चा करते हैं कि हाल के दिनों में केशवानंद भारतीवाद और मूल संरचना क्यों चर्चा में रहे। केरल स्थित एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का 89 वर्ष की आयु में केरल के कोरसगोड स्थित आश्रम में निधन हो गया है। गौरतलब है कि स्वामी केशवानंद भारती द्वारा दायर याचिका में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को संविधान की मूल संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। आइए देखते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं को। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं केशवानंद भारती जी के बारे में। स्वामी केशवानंद भारती वर्ष 1961 से ही केरल के कारसगोड जिले में स्थित एडनीर मठ के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। केशवानंद भारती को केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती देने और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक मूल संरचना के सिद्धांत के लिए आज भी याद किया जाता है और भविष्य में भी याद किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ का गठन किया था, जो कि अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ थी। इस मामले की सुनवाई कुल 6 माह तक तकरीबन 68 कार्य दिवसों में पूरी की गई थी। आइए देखते हैं केशवानंद भारतीवाद की पृष्ठभूमि को। किसी भी देश का संविधान उस देश का मूलभूत कानून होता है। इस दस्तावेज के आधार पर देश के अन्य सभी कानून बनाए और लागू किए जाते हैं। कई देशों के संविधानों में उसके कुछ विशिष्ट हिस्सों को संशोधन के प्रावधानों से सुरक्षा प्रदान की गई है। इन विशिष्ट हिस्सों को संविधान के अन्य हिस्सों की तुलना में खास दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने की संसद की शक्ति को लेकर बहस शुरू हो गई थी। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकारवाद 1965 में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की थी। बाद के वर्षों में जब सत्तारूढ़ सरकार ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए संविधान संशोधन जारी रखा, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद 1967 में अपने पुराने निर्णयों को बदलते हुए निर्णय दिया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति नहीं है। 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन सरकार ने आरसी कूपर बनाम भारत संघ 1970, माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 और पूर्व उल्लेखित गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्णयों को बदलने के उद्देश्य से संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन, जैसे कि 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 26वां संशोधन और 29वां संशोधन किए गए थे। इन सभी संशोधनों और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई। असल में इस मामले में एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती द्वारा याचिका के माध्यम से केरल सरकार के 2 राज्य भूमि सुधार कानूनों से राहत की मांग की गई थी। दरअसल 1970 के दौर में केरल की तत्कालीन सरकार द्वारा नागरिकों के बीच समानता स्थापित करने हेतु भूमि सुधार कानून लाए गए। इन कानूनों के तहत राज्य सरकार ने जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण कर लिया। इसी निर्णय के तहत एडनीर मठ की भूमि का भू अधिग्रहण कर लिया गया था। राज्य सरकार ने इसी निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई थी। आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और संविधान की मूल संरचना।
चूंकि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद में 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय लिया था, इसलिए केशवानंद भारती मामले की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ का गठन किया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय खंडपीठ के सदस्यों के बीच भारी वैचारिक मतभेद देखने को मिला और खंडपीठ ने 7-6 से निर्णय दिया कि संसद को संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने से रोका जाना चाहिए। आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और संविधान की मूल संरचना। खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ हिस्से इतने अंतर्निहित और महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति असल में जर्मनी के संविधान में पाई जाती है, जिसे नाजी शासन के बाद कुछ बुनियादी कानूनों की रक्षा के लिए संशोधित किया गया था। जर्मनी में नाजी शासन के पूर्व के संविधान में संसद को 2/3 बहुमत के साथ संविधान संशोधन की शक्ति दी गई थी और इन्हीं प्रावधानों का उपयोग हिटलर द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए किया गया था। इन्हीं अनुभवों से सीखते हुए जर्मनी के नए संविधान में इसके कुछ विशिष्ट हिस्सों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्तियों पर पर्याप्त सीमाएं लागू की गई थी। भारत में मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से संसद द्वारा पारित सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा का आधार प्रस्तुत किया गया है। हालांकि बुनियादी संरचना क्या है यह निरंतर विचार विमर्श का विषय रहा है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया, किंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को मूल संरचना के रूप में निर्धारित किया है, जिसमें संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा आदि शामिल हैं। तब से इस सूची का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। आइए देखते हैं आज के निष्कर्ष को। यद्यपि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती को केरल सरकार के कानूनों से तो राहत नहीं मिल सकी थी, किंतु इस मामले में भारतीय लोकतंत्र की जीत जरूर हुई थी। इस सिद्धांत के आलोचक इसे अलोकतांत्रिक सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि यह न्यायाधीशों को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के बनाए कानूनों को रद्द करने का अधिकार देता है। वहीं इसके समर्थकों का मत है कि यह सिद्धांत बहुसंख्यकवाद और अधिनायकवाद के विरुद्ध एक सुरक्षा उपकरण के रूप में कार्य करता है। यदि आपको अचीवर्स IQ के द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें।